ईद के दिनों में जहाँ जानवर की ख़रीदारी एक हमारे लिए काम है, इसी तरह जानवर किससे कटवाना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है, मज़मून है, पूरे के पूरा एक मौजू है। तो मेरी अमीरे सुनने से ये दरख्वास्त है कि जानवर किससे कटवाना चाहिए। आसानी इसमें खुद सीख ले, किसी के मोहताजी ना हो। कुछ ऐसे इस्लामी भाई भी होते हैं, वो खुद ही सब मिल के घर के अफराद जो है ना वो कर लेते हैं मिलजुल के। तो खैर ये तो सबके बस का रोग नहीं है, इसमें होना चाहिए माहिर। माहिर होगा तो वो खाल में छेद नहीं करेगा, कट लगा देते हैं माहिर भी जल्दबाजी की वजह से, वरना ये बचना चाहें तो बच सकते हैं। इस तरह मतलब ये कि कुछ 100-200 रुपये बचाने जाएंगे तो खाल को सैकड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर खाल जो इसको मतलब आमतौर पर अनाड़ी बोलते हैं तो वो अगर करेगा तो उस खाल तो काट देगा आगे पीछे से, तो ये नुकसान माली नुकसान हुआ और हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ था। ज़र मुबादला इससे कमाता है हमारा मुल्क, तो बहरहाल नुकसान इस नुकसान। फिर ये कि वो गोश्त वगैरह उम्मीद है कि सही बनेगा, वरना और औज़ार भी इनके सही होते हैं जो माहरीन होते हैं। दूसरों के औज़ार भी ऐसे होते हैं कि ककड़ी काटना मुश्किल हो तो बकरी कैसे कटे, तो ये सब देखने का होता है।